सर हम लोग राजा घेमनानी के सामने रहते हैं, रोज डेली वो अपना घर के सामने ही है, वो डेली 10-15 गुंडे लोग उसके सामने घर के बाहर हमारे खड़े ही रहते हैं उसके। हम बोलता है घड़ी घड़ी ये मोहल्ले में मत करो, ऐसा मत करो, धमकी देता है, बोलता है हमारा पहुँच है पुलिस में, ऐसा है तुम्हारे ऊपर केस भराएगा जूठा, ऐसा करेगा ऐसा करेगा। आज एक जन उधर पेशाब कर रहा था तो उसके पीछे मेरा लड़का भागा, तो इतने में उस 10-15 जन और आ गए तो उधर सब बाम्बू से और पाइप से मारा है हम लोग को। बहुत दादागिरी करता है सर उसका भांजा और ये राजा घेमनानी। नहीं की सर, पहला एक बार उसका कारखाने का कंप्लेंट किया था ना, तब से उसका ये टशन चालू है। कितने दिनों से परेशानी आपको? बहुत दिन से परेशानी है सर, 10-10, 15-15 केसेस है उनके ऊपर, वो सामने आके खड़े रहते हैं हमारे घर के ऊपर। हमारा लेडीज वेडीज बाहर निकल नहीं सकता है, आज हमारे लेडीज को भी मारा है, हम लोग को भी मारा है। नहीं करती है सर पुलिस कार्रवाई, नहीं करती है। पहले भी एक बार हमने इतना कंप्लेंट किया कारखाने का तो नहीं कर रहे थे। प्रशासन से विनती करना चाहते हैं कि राजा घेमनानी के ऊपर केस भरो और उसके भांजे के ऊपर केस भरो। बहुत दादागिरी करता है सर, बहुत। किसने आपको मारा है? राजा घेमनानी और 10-15 लड़के थे और। आपका नाम क्या है? लाल आहूजा। आप कहाँ पर रहते हैं? हम एकदम सामने 832 नंबर ब्लॉक नंबर है हमारा, गांधी रोड उल्लासनगर 5। कहाँ पर मारा है उन्होंने आपको? इधर अभी उसके बंगले पे ही मारा। प्रॉब्लम ऐसा है कि इनका आपस में बाप बेटे का आपस में घर पे झगड़ा हुआ था और उसकी जो मिसेज है वो चिल्ला चिल्ला के सबको बुला रही थी कि मेरे बेटे को मेरा पति मार रहा है, आप उसको आके बचाओ। तो मैंने फिर मेरे बंगले से, मेरे पास एक दोस्त बैठा था, उसको बोला जाके यार देखो क्या मामला है, बाहर से चिलम चिल्ली क्यों आ रहा है। तो बैठ के फिर वापस उनका शांत हो गया लफड़ा और लफड़ा मिट गया उनका। फिर इतने में वापस वो मारामारी करते हुए बाप बेटे बाहर आए तो बाहर एक लड़का खड़ा था और मेरे दो घर छोड़ के आगे एक लड़का खड़ा था और उसको बोल रहा था कि तू इधर काय को देख रहा है हमारे लफड़े में। तो वो लफड़े के चक्कर में फिर उन्होंने क्या किया, बाप बेटों का झगड़ा जो आपस में था वो दोनों मिलके फिर वो लड़के को मारने लगे। जब वो लड़के को मारने लगे तो लड़का भागते भागते मेरे बंगले पे घुस के आया और उसने बोला कि देखो मुझे बाहर आपके लोग मार रहे हैं। तो मैंने बोला यार ऐसा कैसे मारेंगे। तो फिर उस इतने में पता चला कि वो बाप बेटे दोनों पत्थर लेके, लादी का टुकड़ा लेके उसको लड़के को सच्ची में मारने के लिए मेरे बंगले के अंदर घुसे। फिर मैंने उनको मिटा के समझा के उनको दोनों को घर पे भेज दिया, भाई ये झपड़ा मत करो तुम। लेकिन इस बीच में क्या हो गया, फिर आधे पौने घंटे के बाद में फिर इन बाप बेटों का गाली गलौज चालू हो गया पाड़े के अंदर। और गाली गलौज चालू करते करते फिर वो लड़के के साथ इनका लफड़ा हुआ इनका, वो लड़के को जो उसके 2-4-5 दोस्त उसको पूछने गए क्या हुआ क्या लफड़ा हुआ, तो 4-5 दोस्त खड़े ही थे। तो इतने में वापस ये लोग मेरे बंगले पे आए कि देखो अभी तुम्हारा वापस उधर जो लोग खड़े ना उनको समझाओ, वो लोग उसको लफड़ा कर रहे हैं। मैं जब तक बाहर निकलूँ तब तक ये आदमी ने क्या किया, लालचंद आहूजा ने ये सबको बैठ के वापस गाली गलौज करने लगा। जैसे ही गाली गलौज करने लगा तो लड़कों का आपस में पहले से झगड़ा हुआ था आधा घंटा पहले और उन्होंने उनको मारामारी करना चालू कर दिया। जैसे ही मारामारी करना चालू किया तो मैं और लालचंद आहूजा की मिसेस और दोनों ने हमने उनको बीच बचाव में आए और बीच बचाव करके उनको बहुत झगड़ा छुड़ाने की कोशिश की। लेकिन इस बीच में इन दोनों का इतना लफड़ा बढ़ गया कि मैंने पुलिस को फ़ोन करके मैंने बोला, पुलिस को इधर आने के लिए बोला कि इनका बहुत अपने एरिया में बहुत बड़ा लफड़ा बढ़ गया है। और इनका अभी ये जो दोष है कि राजा घेमनानी के घर के इधर लफड़ा हुआ, राजा घेमनानी के बंगले के इधर लफड़ा हुआ, राजा घेमनानी का वो पहचान का लड़का था, पहचान का लड़का अगर है भी या था भी या नहीं भी तो इसका मतलब दोषी हम नहीं होते ना। एक तो हम बीच बचाव करें और ऊपर से अगर कोई हमारा नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और हमारे बदनामी के लिए अगर कोई आदमी वीडियो वायरल कर रहा है तो ये सरासर गलत है। पुलिस के पास भी अभी उनकी मिसेज गई थी, पुलिस के सामने उनकी मिसेज ने ये कबूला कि राजा घेमनानी जो था वो हमको बचाने के लिए काम कर रहा था, हमको बचा रहा था और बचाने के चक्कर में मुझे भी मार लगी और राजा घेमनानी को भी उल्टा 2 डंडे लगे।